जी सरदार शाह साहब, वहां पे तो एब्सोल्युटली नॉट लगा हुआ है, एक अपोजिशन लीडर बैठे हुए हैं, मैं सुनाऊं किसको रिस्पॉन्ड करूं? तो मैं मैडम स्पीकर लास्ट पे जहां पे डिस्कनेक्ट हुआ था मैं वहीं से कंक्लूड करूंगा। दो चार जो अभी हमारी पॉलिसी के हवाले से जो कुछ चीजें हैं वो मैं शेयर करना चाहता हूं। एक तो मैं बता रहा था कि स्टेडा जो सिंध टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे पास बनी हुई है, उसके बुनियादी तौर पे जो बाय एक्ट एंड बाय लॉ इस असेंबली से पास हुआ था वो एक्ट 2012 में, उसके तीन कंपोनेंट हैं। एक अहमद शाह के ये हुआ था दौर में, बहुत इंपॉर्टेंट तरीन वो है, वो मैं समझता हूं कि वो बैकबोन है पूरे एजुकेशन सिस्टम का, जिसमें तीन कंपोनेंट है, एक टीचर्स एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग और टीचर्स लाइसेंसिंग। हमारे पास इस हमारे मुल्क में, पूरे मुल्क की मैं बात कर रहा हूं, मैं सिंध की नहीं कर रहा, बदकिस्मती से वाहिद एक उस्ताद है, टीचर है, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जो भी बनना टीचर बनना चाहे वो टीचर बन जाता है। अरे एक मिनट तो देख रहे जी, हाउस इन ऑर्डर प्लीज। तो टीचर डॉक्टर्स के पास लाइसेंस है, इंजीनियर के पास लाइसेंस है, वकील के पास लाइसेंस है, ड्राइवर चलाता है उसके पास लाइसेंस है, वो लाइसेंस के बगैर नहीं बन सकता ड्राइवर। वाहिद उस्ताद है जिसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है पूरे मुल्क में सेट। अब स्टेडा का जो सबसे बेहतर ये है कि उसमें टीचर्स लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया। जब मैंने ये स्टेटमेंट दी मैडम स्पीकर, मैं हैरान हुआ कि हमारी सोसाइटी में जहां पर तस्वीर दी है टीचर लाइसेंस का, तो लोगों ने ये मजाक उड़ाना शुरू किया कि भाई टीचर तो लाइसेंस तो या बंदूक का होता है या ड्राइवर का होता है, उस्ताद का लाइसेंस कहां से आ गया? अब ये उस्तादों को लाइसेंस देगा? वो असल में कॉन्सेप्ट ये है, पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन जो काम है, प्रोफेशन है, वो टीचिंग है, और उसमें टीचर का टीचिंग लाइसेंस इंपॉर्टेंट तरीन चीज है। और हम इसमें ये करने जा रहे हैं, हमारी आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ, आगा खान बोर्ड के साथ, कैम्ब्रिज बोर्ड के साथ, मैं अभी इंग्लैंड गया था वहां पे ऑक्सफर्ड बोर्ड के साथ, ब्रिटिश काउंसिल के साथ, जितने इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके साथ मीटिंग्स हुई। अब उसमें ये होगा कि जो बीएड दो उसकी स्ट्रीम्स होंगी, एक ये होगा कि जो हमारे बैचलर्स इन एजुकेशन या मास्टर्स इन एजुकेशन जो है वो पहले टेस्ट देगा, अगर उसके पास डिग्री है तो वो लाइसेंस की टेस्ट देगा, उस टेस्ट में उसको टीचर का लाइसेंस उसको जारी किया जाएगा, जिसको 16 ग्रेड में गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की जॉब वो ऑप्ट करना चाहता है तो 16 ग्रेड में हम डायरेक्टली उसको जॉब देंगे, और अगर वो प्राइवेट में जाना चाहता है तो फिर वो प्राइवेट में वो खुद ही उसकी मर्जी है वहां पे जाए। तो ये बहुत मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए ये फ्लैगशिप है, और सिंध से ये स्टार्ट हो रहा है और इनको दूसरे प्रोविंसेस भी कल इसको फॉलो करना शुरू करेंगे। इसमें हमारे साथ जो दूरबीन है ग्रुप, उनको हमने हुसैनाबाद जो ट्रेनिंग सेंटर था हमारा, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बुनियाद पर हमने दिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड दुनिया में नंबर वन एजुकेशन इस वक्त जो है वो फिनलैंड की है, और यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के साथ उनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इसका स्टार्ट कर चुके हैं, और नेक्स्ट ईयर जो है इंशाल्लाह ये एक्ट की अमेंडमेंट हम लाएंगे यहाँ पे असेंबली में, जो जरूरी चीजें हैं वो इस असेंबली के सामने मैं फिर उस एक्ट के हवाले से डिटेल में मैं बात करूंगा, जो 2012 का एक्ट है तो वो स्टार्ट होने जा रहा है, और ये मैं समझता हूँ ये बुनियाद होगा तालीम की में क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से। अगर क्वालिटी का उस्ताद हमारे पास आ गया तो तालीम का फिर हमारा निजाम जो है वो अपने ट्रैक पे आ पाएगा। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि एजुकेशन कैन चेंज एनीवन, टीचर कैन चेंज एवरीथिंग। एक अच्छा उस्ताद जो है वो समाज को तब्दील कर सकता है, हर चीज की काया पलट सकता है। तो वो अच्छे असातिज़ा के हवाले से ये हम स्टार्ट अभी करना चाह रहे हैं। यहां पे ख्वाजा इजाज साहब ने बात की, वो है नहीं तो मैं रेस्पॉन्ड करना चाहता हूं, प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स माफिया, ये मैं माफिया नहीं कह सकता क्योंकि वो एक स्कूल का एक सिस्टम है, वो एक प्रोफेशन है, पूरी दुनिया में प्राइवेट स्कूल्स है, एग्जिस्ट करती है,
और लोगों के पास ऑप्शन होता है बच्चों के पास के वो पब्लिक स्कूल में जाए या प्राइवेट स्कूल में जाए। दो के कॉन्स्टिट्यूशन में ये वायदा किया हुआ है आर्टिकल 25 ए में कि 5 से 16 साल का जो बच्चा है उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, ये आइन में बाइंडिंग है। मगर हमारे पास चूंकि इतना बड़ा बोझ एक वक्त गवर्नमेंट नहीं उठा सकती, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को हम इनकरेज कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में हमारे बच्चे वहां पे कोई 35-36 लाख बच्चे जो हैं इस वक्त रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। मैडम स्पीकर, ये प्राइवेट स्कूल ऑर्डिनेंस आया था 2001 में, 2005 में अमेंड हुआ, उसके बाद इस असेंबली ने अगेन उस पर जो है वो एक्ट पास हुआ 2013 में। उसमें बिल्कुल वो मैं कहता हूं कि वो जो लॉ है, लेजिस्लेशन है, वो पीपल फ्रेंडली है। उसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको यहां पे बताता हूं। पहली उसमें बात ये है कि एक स्कूल की तय की गई है क्राइटेरिया कि स्कूल किसको कहा जाए, जिसमें प्लेग्राउंड हो, वहां पे एक कैंटीन होनी चाहिए बच्चे के लिए, वहां पे लाइब्रेरी होनी चाहिए, वहां पे कंप्यूटर लैब होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मिला के एक स्कूल का जो बुनियाद तस्वर है। अभी हम देखते हैं हमारे इस वक्त जो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास 13,500 रजिस्टर्ड स्कूल्स मौजूद हैं, उसमें क्या वो इन क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है? 90% स्कूल इस क्राइटेरिया पे पूरी ना नहीं उतरती, मैं इस बात को मानता हूं। दूसरी उसमें क्या है चीज, उसमें है कि 10% जितनी भी इनरोलमेंट है, अगर कोई बेव्यू है, कराची ग्रामर है या कोई भी स्कूल है, सीडार है, अगर उसमें 2000 बच्चे पढ़ते हैं तो लाजमन 200 गरीबों के बच्चों को फ्री में उनको वहां पे दाखला देनी है, स्कॉलरशिप देनी है। ये लॉ कहता है, वो अमल नहीं कर रहे उस पर। मैं मानता हूं इस बात को नहीं हो रहा, क्योंकि जहां पे ख्वाजा साहब ने बात की मैं उन्हीं इश्यूज को रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं। उनको सिंधी उर्दू दोनों पढ़ानी है क्योंकि 1972 का एक्ट है, कंपल्सरी लैंग्वेज एक्ट। अब जो उर्दू पढ़ना चाहता है वो उर्दू पढ़ेगा, सिंधी वाला है जो फोर्थ क्लास से वो सिंधी पढ़ेगा, वो पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते। उसमें फी के हवाले से उनकी जो हाई पर जो क्रिएट करते हैं, फीस जो उनकी बढ़ती है, उसमें मैं मानता हूं कि वो कोर्ट के हवाले से भी डिसीजन से। अब इस हवाले से करना क्या चाहिए? करना यह है कि हमें एक्ट पे अमल करवाना है। अब एक्ट पे अमल कैसे हो? अब उसमें दो बातें हैं। एक ये कि हमारे पास स्टिल इस वक्त हम कर रहे हैं फर्स्ट टाइम के प्राइवेट स्कूल्स की सेंसस हो रही है, प्रोफाइलिंग हो रही है कि कितने हमारे प्रोविंसेस में रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं, कितने अनरजिस्टर्ड स्कूल्स हैं। तो उसके बाद उन स्कूल्स कितने स्कूल इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, कितने नहीं उतरते। मैं ये पूरी फिगर असेंबली के सामने जिन्होंने एक्ट पास किया है, जो अभी मेंबरान बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने वो सेंसस रिपोर्ट पेश करूंगा। फिर मैं आप असेंबली ही डिसाइड करें, हम तो मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं ला, इस असेंबली को पास करना है, मेंबरान को पास करना है, चाहे अपोजिशन के हो चाहे ट्रेजरी बेंचेस के हो, इंप्लीमेंट करवाना है मेरा काम। आई विल वर्क एज ए ड्राइवर, आई विल एज इंप्लीमेंटर, मैं वहां पे मैं एक्ट करूंगा। मैं अकले कुल नहीं हूं कि मैं हम एक ही वक्त हैवक क्रिएट कर दे, मैं कोई 10,000 स्कूल हम क्लोज कर दे प्रोविंस में और बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल हो जाए, वो रुल जाए। इस हवाले से इसमें काम हो रहा है और प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से जितने भी इश्यूज हैं मैं एड्रेस करने के लिए तैयार हूं। मैं यहां पे रखूंगा, हमारे जो मेंबरान हैं जितने भी बैठे हुए हैं वो एंडोर्स करें इस बात को, फिर ये मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरी कमिटमेंट होगी इस फ्लोर पे कि मैं जाके उसको इंप्लीमेंट कराऊंगा वहां पर, हर कीमत पर वो इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि कल फिर मुझे ये सिफारिश फोन ना आए कि फला स्कूल जो है कोई मेरा दोस्त मुझे फोन करे कि फला स्कूल मेरे जानने वाले की है और वहां पर मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उसका खुदा का वास्ता है, उसका ख्याल करें, फिर ये काम नहीं हो सकेगा। क्योंकि हमें दोनों पब्लिक और प्राइवेट जो हमारे पास स्ट्रीम्स है एजुकेशन की, उन दोनों को पैरेलली हमें इंप्रूव करना है और हमें बेहतर करना है, क्योंकि बच्चे दोनों में पढ़ते हैं। अब ये नहीं है कि जो प्राइवेट में पढ़ते हैं वो इलीट्स हैं और जो पब्लिक सेक्टर में पढ़ते हैं उनको हम बेयार और मददगार छोड़ दें, जिनके पास 3,000 रुपये 2,000 रुपये फीस के पैसे हैं वो अपने बच्चे को एडमिट करवा लेता है किसी स्कूल में। अब एक गरीब का बच्चा है जो ठेला चलाने वाला जो है, जो रेड़े के केबिन चलाने वाला है, उसका बच्चा पढ़ता है हमारे पब्लिक स्कूल के पब्लिक सेक्टर का। इसीलिए जो हम यहाँ पे रोना रोते, हाल बहुत बुरा है, स्कूल है झापड़ गिर रहे हैं, ये होता है फला होता है, वो इसलिए ओनरशिप नहीं है,
मैडम स्पीकर मैं सच्ची बताऊं, हमने उन गरीब के बच्चों को बेयार और मददगार छोड़ दिया है। हमारे जितने मेंबरान बैठे हुए, मैंने पहले कहा एक एक मेंबर एक एक स्कूल उठा ले, 168 स्कूलें ठीक हो सकती है, 168 स्कूलें तो 100% ठीक हो सकती है। इनको उस पे पे रोना रोने की जरूरत नहीं होगी। राबे आसफर साहिबा ने जैसे स्कूल उठाए हुए हैं, अडॉप्ट किए हुए हैं, वो खुद थर के स्कूल उठा के वो चला रही है। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जो एक्ट है उनका उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कल बैठे यहाँ पे रोने की जरूरत नहीं है। मैं बैठ के भले ही तनकीद करें, क्या होगा, पार्टी स्कोरिंग होगी, पॉइंट स्कोरिंग होगी, भाई सरदार शाह ऐसा है, उसने कुछ नहीं किया, पीपुल्स पार्टी ने यही नहीं किया। बच्चा गैर सियासी है, बच्चा एडल्ट फ्रेंचाइज में नहीं है, बच्चे का वोट नहीं है। बदकिस्मत यह है कि बच्चे से कोई पूछता नहीं है कि उसके मसाइल क्या है। मैं ऑक्सफोर्ड में था, वहां पर मेरी टॉक थी एक दुनिया के वो ग्लोबल जो पब्लिक पॉलिसी मेकर्स वहां पे थे, तो एक साहब ने सवाल किया मुझसे, ब्राजील का था, उसने कहा कि पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग एलिमेंट क्या है, व्हाट इज द मोस्ट मिसिंग एलिमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। मैंने कहा बच्चा, बच्चा है ही नहीं इस पूरी रिंग से। इसमें सरदार शाह भी है, मिनिस्टर भी है, एमपीएस भी है, वालदेन भी है, टीचर भी है, उस्ताद भी है, सब कुछ है। ना बच्चे को देख के हमने करिकुलम बनाते हैं, ना बच्चे की जो ख्वाहिशात को हम खातिर में रखते हैं। बच्चा किस किस्म की डेस्क लाइक करता है वो हमने कभी नहीं सोचा। बच्चे को कलर कौन सा चाहिए स्कूल का हमने कभी नहीं सोचा। हम बनाते जा रहे हैं कंक्रीट 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 के स्ट्रक्चर्स हम बनाते जा रहे हैं। एक मलबा है कंक्रीट का आप स्कूल्स के नाम पे। ये यार नहीं, पूरी दुनिया का ये मसला है। इस वक्त पूरी डिबेट्स इस पे चल रही है। जैसे सिंगापुर ने पूरा मॉडल चेंज कर दिया है एजुकेशन का, फिनलैंड ने उन्होंने पूरा चेंज कर दिया है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग शुरू हो गई है उनकी, के बच्चे को ये नहीं सिखाना अब एक गीत लिखा है अब वो गीत पढ़ाना है, या पोएम है वो पोएम बच्चे को पढ़ानी है। बच्चे से तो पूछा ही नहीं गया कि बच्चा उस पोएम को लाइक करता है नहीं करता। अब डेफोडिल्स हम पढ़ाते हैं, बच्चे को जो है वो रोज पसंद है, बच्चे को मोतिया का फूल पसंद है, उसको डेफोडिल पसंद नहीं है। हम उसको कह रहे हैं तुम्हें लाजमी डेफोडिल पढ़ना है क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। तो इस पूरी चीजों को अब इस तरह ठीक करने की जरूरत है। मैं आज भी आपको यहाँ पे बजट की अभी मैं वाइंड अप कर लीजिए प्लीज। मैं कंक्लूड करूंगा इसको, उससे पहले कि आप मुझे कहें कि आप कंक्लूड कर दे, मैं कंक्लूड करता हूं कि आप बैठे ऊपर वाला जो ऑडिटोरियम है वहां पे रखें, यहां पे रखें, आप इस फ्लोर पे एक दिन मुख्तस करें। जितने मसाइल हैं, जितने भी इश्यूज हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। आप खुदा का वास्ता है दिमाग से ये बोझ निकाल के कि ये पीपुल्स पार्टी का मिनिस्टर है या किसका मिनिस्टर है ये निकाल के बैठे, यहां से स्टार्ट करें। क्योंकि यहां पे असेंबली में यकीन कर ले एजुकेशन सिस्टम पे तनकीद करने से वो जो नगर पालिका में बच्चा बैठा हुआ है उसके दिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कितनी भी यहां पे बातें कर लूं, डाड़े मारूं, कुछ भी करूं, आप कितनी भी क्रिटिसाइज कर लें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। फर्क तब पड़ना है जब वे फॉरवर्ड पे आएंगे और ये पाकिस्तान में मिसाल कायम करें कि सिंध असेंबली ऐसी असेंबली है जिसके मेंबरान ने बाराए ताक रख के अपनी सियासी वाबस्तगियों को वो बैठे और अब उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए तैयार किया है। पहले एक एक स्कूल सबने उठाया है, उसके बाद वो रिफॉर्म का जो मरला है वो आगे ले चलेंगे और फिर जाके इन चीजों को बेहतर करेंगे। अब कल्चर के हवाले से कोई बात ही नहीं हुई है यहाँ पे, सकाफत हेरिटेज इन सब हवाले से तो मैं क्या रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। मैं फकत ये आपको कह सकता हूं कि इस साल सन 2022 दुनिया में इस हवाले से हम सिंध के लोगों के लिए बायस फखर है हम कि इस साल दुनिया की अजीम तहजीबों में से एक तहजीब सिंधु सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन अनअर्थ हुई थी और सर जॉन मार्शल ने 1922 में ये मोहनजोदड़ो ये जमीन से बाहर निकला था, निर्वार हुआ था। दुनिया ने आलिशान तहजीब और दुनिया की उस जमाने की मोस्ट मॉडर्न अर्बन सेटलमेंट को विटनेस किया, देखा कि 6000 साल पहले इस धरती के लोग कितने मुहजिब थे। उसका ये 100 साल इस साल जश्न है, तकरीबात है। हम चाहते हैं कि सब के सब मिलके एक यहाँ पे हम तकरीब होगी कि स्टार्ट हो रहा है पेरिस में 27 सितंबर में यूनेस्को के यूनाइटेड नेशंस के साथ सिंध गवर्नमेंट मिलके, हालांकि ये काम फेडरल गवर्नमेंट का है। मैंने पहले भी लिखा, हमने जब स्टार्ट किया तो उस वक्त मैंने शफकत महमूद साहब को कहा था, वो मिनिस्टर हेरिटेज के, मैंने कहा इसको आप पाकिस्तान ओन करें क्योंकि इंडिया इस तकरीबात का आगाज कर चुका है। क्योंकि नेहरू ने कहा था इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम इंडस, इंडिया पे नाम ही इस सिंधु सिविलाइजेशन की वजह से पड़ा। उनको पता है, उनको एहसास है। इस बात नहीं कर किया फेडरल गवर्नमेंट ने, हम नहीं किसी को दोष देते, खैर की बात है। सिंध गवर्नमेंट के पास जितने भी वसाइल हैं जो कुछ भी है वो हम पेरिस से 27 सितंबर से आगाज होगा
मोहनजोदड़ो सेंटेनरी सेलिब्रेशंस का, फिर यहाँ पे हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह पे एक असेंबली में, मैडम स्पीकर आप से हम रुजू किया जाएगा कि असेंबली से एक हमारे मेंबरान के लिए एक हम तकरीब यहाँ पे रखें कि हम इंडस सिविलाइजेशन के बारे में इनको भी आ गई हो, सबको आ गई हो, और जो कुछ आज हुआ है इंडस साइट्स पे, हड़प्पा से लेके, टेक्सला से लेके, मोहनजोदड़ो से लेके, लाखनजोदड़ो से लेके, टाउनजोदड़ो से लेके, जितनी भी अर्बन सेटलमेंट है उस पर एक ब्रीफ दिया जाएगा। और फिर मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को बताने के लिए हमें अपना सॉफ्ट इमेज भी बनाना है, बताना है दुनिया को कि हम ऐसे हैं, थे नहीं, नाम ऐसे हैं, हमारा चेहरा किसी और वजूहात की वजह से मसक हुआ है पूरी दुनिया में, हमारा इमेज खराब हुआ है। आज का पाकिस्तान इंडस वैली है, अलग नहीं है, कश्मीर से लेके केटी बंदर तक सिंधु सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन पाकिस्तान है, और पाकिस्तान सिंधु सभ्यता है। इसलिए इसका इमेज थोड़ा डिफरेंट करने के लिए ये करूंगा। मैं आप का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने भी एजुकेशन के हवाले से अपना दर्द सीने में रख के गुफ्तगू की, और जो भी बातें की मैं उनको अपने लिए मशल राह समझूंगा। और लास्ट में फकत एक उर्दू का पढ़ लूं, तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। थैंक यू सैयद नासिर हुसैन शाह साहब।